मेरी अभिषेक जाटव भैया से ये निवेदन है कि वो सबकी मदद करते हैं, वो मेरी मदद करने के लिए मेरे घर आए, देखें कि हम किस डर के साए में जी रहे हैं। वो सबकी मदद करते हैं, वो मेरी भी मदद करें, सहायता करें ताकि मुझे इंसाफ मिले। मेरा नाम भावना है, मैं 14 वर्ष की हूँ और पहले तो मेरा अपहरण करा गया। शिवम ने मेरे साथ गलत काम करा, शिवांशु ने मेरी वीडियो बनाई, कंचन ने मेरे को ब्लैकमेल करा। फिर उसके बाद उस वीडियो के उससे मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लगे और शिवम मेरे साथ गलत काम बार बार करने लगा। उस 7 तारीख को मुझे सुबह सुबह प्रशांत का फ़ोन आया कि मेरे साथ चल वरना तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा और तेरे पापा को गोली लगवा दूंगा, पर मैं गई नहीं थी। और फिर 2 बजे करीब प्रशांत पेट्रोल पंप पे आया और मेरे को धमकी दे के अपने साथ ज़बरदस्ती बाइक पे लेके चला गया मेहरौली दूध की डेयरी पर। वहाँ जाके उसने मेरे साथ 3 बार गलत काम करा, गलत काम करके फिर मुझसे सारा घर का काम करवाया और फिर मुझे बार बार कहने लगा। फिर मुझे नोएडा लेके जाने वाला था, मैं ही पुलिस आ गई और मुझे वहाँ से लेके आज घटना को हुए 10 दिन हो गए हैं लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। उसमें से चार जनों में से एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया और 3 जने खुलेआम घूम रहे हैं, शिवम शिवांशु कंचन ये खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मैं ये चाहती हूँ कि समाज से वो मेरी सहायता करें और इन 3 जनों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं ताकि आज मेरे साथ करा है कल किसी और लड़की के साथ ऐसा करने के बारे में सोचना तो बहुत दूर की।